दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, आज 24 जनवरी गुरुवार, आज कुछ बड़ी और ताजा तरीन खबरें निकल कर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो को आपका कीमती लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह रोज वीडियो लाते रहे। आइए डालते हैं फटाफट एक नजर सभी खबरों पर, लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारी खबरें महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी पर उलझी मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, 15 महीने में 73 लाख लोगों को मिली नौकरी। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। तमाम राजनीतिक और आर्थिक एक्सपर्ट का कहना है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। ईपीएफओ की डेटा के मुताबिक पिछले 15 महीने में करीब 73 लाख लोगों को नौकरी मिली है। केवल नवंबर 2018 के महीने में 7.32 लाख लोगों को नौकरी मिली है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सही जवाब देने वाले को बीबी न्यूज की तरफ से मिलेगा अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली जीत सके कई बड़े इनाम। नेताजी की कहानी को प्रदर्शित करेगा बोस संग्रहालय, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा को बखान करने वाले 3 नए संग्रहालयों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के अंदर बनाए गए 3 संग्रहालयों का एक साथ उद्घाटन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी INA पर आधारित इसमें बोस और INA से संबंधित शिल्पकृतियों को दर्शाया गया है, जिसमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी, तलवार, पदक, वर्दी और अन्य सामान को रखा गया है। 1 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में करवा ले ये काम, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस कर देगी सीज। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा के मद्देनजर पैनिक बटन होना जरूरी है। सभी वाहनों में 1 अप्रैल 2019 तक पैनिक बटन जरूर लग जाने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर किसी भी वाहन को फिटनेस पेपर नहीं जारी किया जाएगा। देश में मिलना बंद हो जाएगा अब मिट्टी का तेल, सरकार को होगा 4,555 करोड़ रुपए का फायदा। देश के हर घर में बिजली और LPG कनेक्शन देने के बाद मोदी सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के अनुसार देश में जल्द ही मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल मिलना अब बंद हो जाएगा। इस बात का दावा कब्जली मंत्री RK सिंह ने किया है। उनका मानना है कि देश में बिजली और गैस कनेक्शन होने के बाद केरोसिन ऑयल की जरूरत नहीं होगी। GST के विरोध में गणतंत्र दिवस परेड का प्रसारण नहीं दिखाएंगे अब केबल ऑपरेटर। 26 व 27 जनवरी को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा। GST के विरोध में केबल ऑपरेटर गणतंत्र दिवस का लाइव प्रसारण नहीं दिखाएंगे। आगामी 26 और 27 जनवरी को पूरे देश के केबल ऑपरेटर 2 दिवसीय हड़ताल पर रहने की घोषणा कर दी गई है। गाजियाबाद केबल टीवी ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चोपड़ा ने प्रेस वार्ता में कहा है कि ट्राई के नए नियम के अनुसार उपभोक्ता पर अतिरिक्त 18% GST लगाया गया है। SBI ग्राहक ध्यान दे, बैंक खाते में नए तरीके से हो रही है पैसों की चोरी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आजकल इंटरनेट पर चोरी के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि फिशिंग एक सामान्य किस्म की इंटरनेट चोरी है। इसका प्रयोग गोपनीय वित्तीय जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड संख्या, व्यक्तिगत पहचान का ब्यौरा आदि चुराने के लिए किया जाता है। इसमें हैकर बाद में इसकी जानकारी का उपयोग पीड़ित व्यक्ति के खाते में पैसा निकालने या उसके क्रेडिट कार्डों से बिल का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। बजट 2019 चाहिए सैलरी और पेंशन, बजट से पहले वकीलों की ये 10 मांगे। देश भर के वकीलों की सबसे बड़ी नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने आम बजट से पहले मोदी सरकार के सामने 10 बड़ी मांगे रख दी है। साथ ही पूरे देश में मौजूद करीब 13 लाख से ज्यादा वकीलों के लिए हर वार्षिक बजट में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दिए जाने की मांग है। BCI का कहना है कि मोदी सरकार 31 जनवरी से पहले उनकी सभी मांगों को पूरा करे, वरना देश भर के वकीलों की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लगातार 6 दिन बढ़ने के बाद थमी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार को इसकी कीमत में 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वही डीजल के दाम में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। देश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली मुंबई में भी तेल के दामों में वृद्धि हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कच्चे तेल में नरमी आई है, हालांकि ब्रेंट क्रूड का भाव अभी तक $62 प्रति डॉलर से ऊपर चल रहा है। सोने की
की कीमत में तेजी का सिलसिला अब भी जारी। विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट के रुख के बावजूद स्थानीय बाजार में शादी विवाह के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय निर्माताओं की लिवाली के समर्थन से मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 125 रुपए की तेजी के साथ 33,325 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं सिक्का निर्माताओं की ओर से उठाव कम रहने के कारण चांदी 250 रुपए की गिरावट के साथ 39,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। एक शख्स ने बिजली ऑफिस जाकर कहा, मैं फ्री में बिजली यूज नहीं करूंगा, तो थमा दिया 24 करोड़ का बिल। कन्नौज में 23,71,00,000 का बिजली बिल उपभोक्ता के सिरदर्द बना हुआ है। बिजली विभाग किस तरह से मनमाने तरीके से अपने उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भेजता है, इसकी बानगी यहां देखने को मिली है। यहां एक उपभोक्ता को विभाग ने एक साल तक बिल नहीं भेजा। जब उपभोक्ता ने दौड़ भाग कर बिल निकलवाया तो विभाग ने 23,71,00,000 रुपए का बिल भेज दिया है। करोड़ों का बिल देखकर अब उपभोक्ता परेशान है और बिल सही करवाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है। शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने दिया तोहफा, अब ट्रेन की टिकट के साथ बुक करा सकते हैं दर्शन की भी टिकट। साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने वाले भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे आपके लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। अब आप IRCTC की वेबसाइट पर शिरडी जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करने के साथ साई बाबा के दर्शन की टिकट भी बुक करा सकते हैं। ये जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर पर दी है। 12 साल के लड़के का कमाल, डिजाइन की समुद्र में प्रदूषण कम करने वाली शिप। कहते हैं अगर किसी काम को शिद्दत से किया जाए तो वह हर हाल में पूरा होकर रहता है। हो सकता है मंजिल को पाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन मन में ठान लो तो काम पूरा हो ही जाता है। देश दुनिया में बढ़ते प्रदूषण के बीच 12 वर्षीय हाजिक काजी ने समुद्र में प्रदूषण कम करने वाली शिप को डिजाइन किया है। काजी ने इस शिप को एरविस का नाम दिया है। भारत की न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी जीत, नेपियर वनडे में 8 विकेट से जीता भारत। भारत ने न्यूजीलैंड दौरे की जीत से शुरुआत की है। उसने बुधवार 23 जनवरी को खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान टीम को 8 विकेट से हराया। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी जमीन पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत की इस जीत के हीरो गेंदबाज रहे मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके, जबकि चाइनामैन कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके। युजवेंद्र चहल को 2 और केदार जाधव को 1 विकेट मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा ICICI ने लॉन्च किए बचत खाते, अब मुफ्त में मिलेगा अमेजन गिफ्ट कार्ड। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बड़े बैंकों ने ग्राहकों के लिए नए साल में कई तरह के बचत खाते लॉन्च किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जहां महिलाओं और बुजुर्गों का ध्यान रखा है, वही ICICI बैंक ने अपने प्रीमियम खाताधारकों के लिए बचत खाता शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 खाते शुरू किए, उनमें बड़ौदा वरिष्ठ नागरिक विशेषाधिकार खाता और बड़ौदा महिला शक्ति बचत खाता प्रमुख है। दोनों खातों में अगर ग्राहक लॉकर सुविधा लेते हैं आपको वार्षिक लॉकर शुल्क में छूट प्राप्त होगी, साथ ही विभिन्न प्रकार के लोन की प्रोसेसिंग फीस से भी छूट मिलेगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के विशेष डिस्काउंट भी मिलेंगे। ATM मशीनों में बड़े बदलाव के बाद खराब हो सकता है चिप वाला कार्ड, बरतनी होगी सावधानी। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद सभी बैंकों ने ग्राहकों को EMV चिप वाले डेबिट कार्ड जारी किए हैं। हालांकि नए ATM कार्ड में लोगों को अलग ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों से खबरें मिली है कि ATM मशीनों में बदलाव के बाद नए डेबिट कार्ड खराब हो रहे हैं। नई मशीनों में जैसे ही ATM में डेबिट कार्ड डालते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ये तब तक लॉक रहता है जब तक आपका लेन देन पूरा नहीं हो जाता। इस दौरान अगर आप जोर लगाकर पहले की तरह कार्ड निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका कार्ड डैमेज हो सकता है। मेट्रो की सेवाएं इस दिन रहेगी बाधित, पार्किंग में भी रहेगी बंद। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए जहां कुछ मेट्रो स्टेशनों पर सेवाओं को आंशिक तौर पर बंद किया गया है, वहीं इस दौरान मेट्रो की पार्किंग को भी सुरक्षा कारणों से बंद रखा जाएगा। 26 जनवरी को सेंट्रल सेक्रेटरिएट व उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की सेवाओं को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के लिए बंद किया गया है। इस दौरान यात्री न तो मेट्रो स्टेशन से बाहर आ सकेंगे, न ही मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो सकेंगे। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जियो का तोहफा, लॉन्च की गूगल जैसी सर्विस। रिलायंस जियो ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया ब्राउजर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो ब्राउजर ऐप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह ऐप दूसरे से कैसे अलग है और कैसे काम करता है, तो हम आपको बता दें कि यह ऐप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर के पास जियो कनेक्शन होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब इस ऐप को कोई भी एंड्रॉइड यूजर इस्तेमाल कर सकता है। रिलायंस जियो के अनुसार जियो ब्राउजर एक पहला ऐसा इंडियन ब्राउजर है जिसे इंडियन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें हिंदी समेत गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा का सपोर्ट दिया गया है। यूजर्स सेटिंग में जाकर आसानी से इस भाषा में बदल कर सकते हैं। 12वीं पास के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में भर्तियां शुरू, सुनहरा मौका, निकल न जाए हाथ से। AAI रिक्रूटमेंट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया में अनेक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि कुल 264 अप्रेंटिस के पदों पर ये भर्तियां होने जा रही है। उम्मीदवार के लिए आवेदन
पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2019 को शाम 6 बजे तक रहेगी। अगर कर रहे हैं टैक्स की चोरी तो 21 दिनों में करें रिटर्न फाइल, नहीं तो होगी कार्रवाई। टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की पहचान की है जो बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, टैक्स देने वाली इनकम है लेकिन वे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन की मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है। ऐसे लोगों को विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है वे 21 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल कर दे या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे दे। जानकारी मिलने के बाद ऐसे मामलों की जांच की जाएगी। जो लोग इसकी जानकारी नहीं देते हैं वे अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा एसएससी भर्ती 2019 इंस्ट्रक्टर और 2646 अन्य पदों के लिए आवेदन शुरू। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने 2646 रिक्त पदों को भरने हेतु अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती इंस्ट्रक्टर और अन्य पदों पर की जानी है। उम्मीदवारों को हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और कॉर्प में नियुक्त किया जाएगा। एचएसएससी भर्ती 2019 के माध्यम से उम्मीदवार 2646 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक पोर्टल hssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 19 जनवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2019 को रात 11:59 तक रहेगी। दोस्तों, ये रहा आज का सवाल। हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। सही जवाब देने वाले को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उन्हें बीबी न्यूज की तरफ से अमेजिंग एंड सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें कमेंट करके सही जवाब बताएं, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कमेंट में जरूर रखें ताकि हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।